जी आज हमें पढ़ना है चैप्टर 3 है आपका फंक्शंस। फंक्शंस डेली लाइफ में यूज होता है, कहाँ का यूज होता है? अच्छा का हो गया, बेशुमार डिफरेंट तरह के फंक्शंस होते हैं और फंक्शन का क्या बिहेवियर होता है कि फंक्शन में लोग इनपुट देते हैं और आउटपुट में क्या मिलता है, खाना वगैरह दाल चावल होती है, तो इनपुट और देते हैं और उसका रिटर्न क्या होता है, खाना पीना होता है। अच्छा, तो यानी कि फंक्शन किस तरह परफॉर्म कर रहा है कि इनपुट दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं। अच्छा, फंक्शन का एक और भी बिहेवियर है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इनपुट नहीं देते, पैसे नहीं देते लेकिन फिर भी खाते हैं, यानी कि विदाउट इनपुट और लेकिन आउटपुट लाजमी लेते हैं। तो इसका मतलब है कि फंक्शन इनपुट दे या ना दे लेकिन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। तो फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो फंक्शन क्या है, फंक्शन सम परफॉर्म एक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, एक्शन किस बेसिस पे करेगा, जो मैं उसको इनपुट दूंगा उसको पैरामीटर भी बोलते हैं। क्या दूंगा उसको, इनपुट दूंगा यानी कि पैरामीटर्स दूंगा, या इनपुट बोल लें, पैरामीटर्स बोल लें, आर्गुमेंट बोल लें, एक ही चीज है। यानी कि फंक्शन को मैं इनपुट दे रहा हूँ या आर्गुमेंट या पैरामीटर दे रहा हूँ, तो उसके फंक्शन क्या करेगा, वो उन इनपुट पैरामीटर्स को लेके क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा और कुछ रिटर्न करेगा। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है सम परफॉर्म एक्शन एंड मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। जो है सम परफॉर्म एक्शन एंड मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। जैसे ऑरेकल में भी बेशुमार फंक्शन है, करेक्टर फंक्शन है, न्यूमेरिक फंक्शन है, डेट फंक्शन है, कन्वर्जन फंक्शन है, जनरल फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन की क्या क्या है कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, करेक्टर फंक्शन, दूसरी क्या है न्यूमेरिक फंक्शन, थर्ड कन्वर्जन फंक्शन एंड फोर्थ जनरल फंक्शंस। तो यहाँ पे जो मैं अभी जो पहले सवाल में जा रहा हूँ वो है करेक्टर फंक्शन, एम नंबर ई नेम जॉब सेल। यहाँ मैं चाहता हूँ कि जो ई नेम है डेटा फ्रॉम, ये भी किस केस में दिखाता है, दिखा रहा है अपर केस में, मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे किस केस में दिखाए, छोटे अल्फाजों में, लोअर केस में। तो यहाँ पे मैं क्या लगूंगा, मैं लोअर का फंक्शन लगाऊंगा, लोअर, और इसमें फंक्शन नेम का, फंक्शन नेम क्या है लोअर, और उसमें क्या पास कर रहा हूँ, एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। तो क्या किया समझे, क्या किया समझे, लोअर केस में दिखा दूंगा। अच्छा, जिस तरह का आपने लिखा फंक्शन और जिस तरह आपसे पैरामीटर पास उसने एज इट इज वही कॉलम नेम बना दिया, तो क्यों ना इसका एलियस दे दें, इसको दोबारा नेम क्या दे रहे, ई नेम या नेम दे दें। अच्छा, इसी तरह एक और फंक्शन है वो है इनिट कैप, इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल क्या करेगा, पहला जो है वो जो है लेटर कैपिटल, बकाया जो है वो स्मॉल, ठीक है। इसी तरह एक और फंक्शन है वो है आपका अपर का, अपर डेटा आपका किस केस में पड़ा है, डेटाबेस में, लोअर केस में पड़ा है, तो क्या करेगा, अभी तो है ही अपर केस में, तो मैंने क्या किया, लगाया उसको अपर का फंक्शन,
तो अपर केस फंक्शन क्या करता है कि इनपुट से पास करते हैं और वो उसको जो भी डेटा लोअर में है तो क्या कर देगा उसको अपर में कर देगा। तो ये तो हो गया अपर का लोअर का इनर क्या है। इसके अलावा और भी फंक्शन है जैसे लेंथ का, क्या है लेंथ का, मैस लेंथ, ठीक है, इसको एज खत्म करते हैं। ये क्या करता है कि आप बताएगा कि इसमें कितने आपके लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, फोर लेटर हैं, ठीक है। अच्छा फिर आप ये कहते हैं कि इसमें से ऐसे रिकॉर्ड दिखाओ जिसका नेम जो है वो क्या है, ई नेम इज इक्वल टू मिलर। तो कोई रिकॉर्ड आया, क्योंकि टेबल में जो डेटा है वो बड़े अल्फाज में है और मैंने क्या दिया इसको छोटे अल्फाज में दिया है, तो क्या करें जी, अपर में लिखने से मिलर को, हाँ अपर में, अपर या फिर ऐसा करूं कि अपर का फंक्शन लगा दूं, कोई मसला तो नहीं है। क्या करेगा जो मैंने इनपुट दिया वो क्या कर देगा उसको अपर में कर देगा, यानी कि मैंने उसको जो पास किया पैरामीटर वो स्मॉल में किया मिलर, तो मैंने बाहर लगा दिया अपर का फंक्शन। तो मेरा मकसद है कि अपर का फंक्शन जो है वो चाहे सेलेक्ट में कॉल कर ले चाहे वो वेयर। एक और भी तरीका है इसको करने का कि आप इसको अपर में ना करें, इसको अपर में ना करें, आप इसको लोअर में कर दें। बात तो वही है ना, डेटा मैच कराना है ना, तो हम पहले क्या कर रहे हैं इम्प्लाई नेम को क्या कर रहे हैं तो उसको लोअर में कर रहे हैं और लोअर और लोअर आपस में मैच हो जाएंगे तो रिकॉर्ड में बैठ हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और भी फंक्शन है, जैसे लेंथ का आपने देखा वो क्या करता है आपको नंबर ऑफ लेटर्स बताता है। एक और है सबस्ट्रिंग, ई नेम जॉब यहां पे सबस्ट्रिंग, ये जो है ये इसको बोलते हैं स्ट्रिंग और इसमें से कुछ पोर्शन निकालना वो क्या होता है सबस्ट्रिंग। तो मुझे ई नेम से कुछ पोर्शन निकालना है, मुझे क्या निकालना है कि पहले थ्री लेटर्स निकालना है, पहले थ्री, यानी कि इसको पास किया है जिसमें से निकालना है लेटर्स सब करना है जो आप निकालना है और स्टार्टिंग पोजीशन क्या है पहले लेटर्स और कहां तक जाएगा तीन लेटर तक जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। उसने क्या किया पहले थ्री कैरेक्टर्स शो कर रहे। अच्छा मैं कहता हूँ स्टार्ट को जो है वो ले टू से, कहां से ले, अभी स्टार्ट कहां से ले रहे हैं, वन से ले रहे हैं। अच्छा स्टार्ट ले टू से और कहां तक जाए थ्री डिजिट्स तक, स्टार्टिंग पोजिशन टू एंड एंडिंग पोजिशन थ्री। तो स्टार्ट उसने टू से लिया एक दो तीन, तो क्या बन गया एम आई टी। अच्छा स्टार्ट लिया टू से एल वन टू थ्री डबल एल ई, ठीक हो गया। तो इस फंक्शन का इस्तेमाल ये क्या करता है कि स्ट्रिंग में से ये स्ट्रिंग है उसमें से क्या निकाल रहे हैं सब स्ट्रिंग कर रहे हैं। अच्छा इसमें जो है जो मैंने इसमें जो उसको आर्गुमेंट पास किया पॉजिटिव में पास किया, अगर मैं चाहूँ तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में पास कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ स्टार्ट कहाँ से ले माइनस थ्री, स्टार्ट कहाँ से ले माइनस थ्री और कहाँ तक जाए थ्री। जब अब माइनस से कहूंगा तो फिर वो एंड से स्टार्ट करेगा वन टू एंड थ्री, यानी कि वो राइट साइड से, अगर तो मैं पॉजिटिव लगाऊंगा तो क्या करेगा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेगा, अगर नेगेटिव लगाऊंगा तो वो लेफ्ट साइड से वन टू एंड थ्री। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या हुई आपकी यहां से और कितना जाने तीन तक, फिर दोबारा वो एक दो एंड तीन, तो आंसर क्या आया डबल आई टी एच। अच्छा अगर आप इसको ले लें फॉर्ड को, स्टार्टिंग पोजिशन क्या है उसकी माइनस थ्री वन टू एंड थ्री और फिर वन टू एंड थ्री, तो क्या बन गया ओ आर डी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब इस फंक्शन को चाहे तो मैं वेयर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ वेयर ई नेम या मैं इसको यहां पर सब स्ट्रिंग कह देता हूँ सबस्ट्रिंग वेयर, हाँ ठीक है सबस्ट्रिंग जॉब के ऊपर लगा दो वन चार
एस ए एल ई एस सेल इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ सेल, क्या मतलब हुआ? क्या करेगा जॉब में से, क्या करेगा पहले चार करेक्टर पकड़ेगा, और पहले चार करेक्टर में अगर बराबर क्या हो जाए सेल के, तो ये रिकॉर्ड आ जाए। तो क्या है, क्योंकि मैंने सब सिंग किस पर लगाया, मैंने ई नेम की बजाय मैंने किस पर लगा दिया, जॉब की फॉलो, ठीक है। यानी कि वो क्या करेगा, पहले नेम में से पहले चार करेक्टर शो करेगा, और अगर वो इसके बराबर ये जो चार में मैच कर जाएंगे तो रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो इन फंक्शन का इस्तेमाल आप चाहे अपर में कर दें, सॉरी सिलेक्ट में ले लें, या इसको वेयर में ले लें, इवन के इसको ऑर्डर बाय क्लॉस में भी ले सकते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को अगर मैं चाहूँ तो उसको नीचे भी ऊपर सिलेक्ट में भी ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ एम नंबर, ई नेम, जॉब और, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। और इसको अगर मैं एलियस दे दूँ ए या जॉब दे दूँ, और नीचे मैं ऑर्डर बाय क्या कर दूँ जॉब, अब दो कॉलम होगा, इसको टू कर देते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं टू, जब ये हम वेयर में सर ये यूज करेंगे, हाँ सर ये सेल इतना